गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए एटी में आया था और यहाँ पर कोई साधन नहीं था, बस का पुल भी नहीं था। उस टाइम मीटर गेज की ट्रेन चलती थी, उसके द्वारा मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद भगवान का दर्शन किया, स्नान किया, परंतु भोजन की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, संतों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो उस टाइम मन में एक विचार आया, यहाँ आकर के अपने एक क्षेत्र चालू करें। वो विचार हमारा संकल्प 84 में पूरा हुआ। यहाँ आकर के हमने एक छोटा सा जगह लिया, उस जगह में अनक्षेत्र चालू किया। अनदान चालू करने के बाद में उस टाइम में ज़्यादातर बेगर जाते थे और कुछ नीचे लोग आते थे। उसके बाद में एक बड़ा दूसरा जगह मिल गया, वो लेकर के हमने जो है जनता के लिए अनदान चालू किया। अनदान चालू करते करते ये 84 से चालू किया जो आज तक चल रहा है। और उसके उपरांत यहाँ पर 12 साल पहले हमने एक स्कूल ली जो आज चल रही है, जिसमें 200 बच्चे हैं। स्कूल का नाम है सरस्वती प्राइमरी स्कूल, जिसके अंदर 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए कोई फीस नहीं है, कोई उनके लिए यूनिफॉर्म नोटबुक पेंसिल रबड़ सब फ्री है। उसके अलावा उनको वैन से ला के लाना छोड़ के आना, यह सब सेवा उनको दी जाती है। उसके अलावा यहाँ साल में 2 बार कैंप किया जाता है, जिसमें यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ECG वगैरह सब किया जाता है। चश्मे वाले को चश्मा दिया जाता है, जिसका आँख का ऑपरेशन हो तो उसका ऑपरेशन करा के लेंस लगवा के देते हैं। ये हमारा ट्रस्ट है, इसमें लोग डोनेट करते हैं, उस डोनेट से हम जो है खर्चा चलाते हैं, चेक से, ड्राफ्ट से और कैश से। हमारे यहाँ रोज़ का जो है 400-500 लोग का बनता है तकरीबन, और ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बनता है। उसके अलावा कोई साइक्लोन आएगा, कोई तूफान आएगा, उसमें जितने भी लोग का 1000-2000 रोज़ का आदमी का हमारा यहाँ से खाना जाएगा और वो गवर्नमेंट के थ्रू जाएगा, सेवा करके आएंगे हम लोग। हमारे यहाँ 3 सेवा है, या तो एजुकेशन या मेडिकल या अन्नदान, 3 ही सेवा है। चौथी सेवा हमारे यहाँ कोई भी यहाँ लावारिस अनाथ मरेगा या कोई भी यात्री यहाँ गुजरेगा उसका संस्कार हम करके आएंगे। हाँ जी, गवर्नमेंट से क्या मदद मिल रही है? गवर्नमेंट से हमको कोई मदद नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमको गवर्नमेंट की मदद चाहिए भी नहीं, जनता की मदद चाहिए। पब्लिक से कुछ नहीं आती, हमको सहयोग करते रहे, हमारा ये काम चलता रहे। बिल्कुल, मंदिर और समुद्र के पास में है, इसलिए आम आदमी को, गरीब आदमी के लिए बहुत सुविधा है। गरीब आदमी को जो है दोपहर में भोजन दिया जाएगा, उसके लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था भी है हॉल में। हमारे पास केवल 18 कमरे हैं और 2 हाल हैं, हाल में जो है निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। देखो, हमारे यहाँ तो जिसका पहले फ़ोन आ जाएगा या जो हाजिर में हमारे पास कमरा होगा उसको हम देंगे, जो अपनी इच्छा से वो दान देकर जाएगा वो दान उससे स्वीकार करेंगे। नहीं नहीं, हमारा कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, जो स्वेच्छा से देके जाता है वो हम देते हैं। रोज़ सवेरे नित्य 4 बजे उठ करके इनको स्नान करा के फिर 5 काल की पूजा की जाती है, भगवान को नैवेद्य किया जाता है। और इधर हमारे गुरुदेव महाराज की मूर्ति है, उनकी भी 5 काल की पूजा होती है, उनको भी नैवेद्य करके उसके बाद में फिर जनता को भोजन शुरू किया जाता है। आरती हमारे जो है 5:30 होती है, उसके बाद में दोपहर में 11:30 होती है, उसके बाद में शाम को फिर 5:30 होती है। पब्लिक कम आएगी, यहाँ के हमारे जितने साधु संत यहाँ निवास करते हैं, हिंदुस्तान का पूरा साधु यहीं आकर रुकेगा। एक ही आश्रम है, एक ही अनक्षेत्र है ये, दूसरा कोई रामेश्वर में अनक्षेत्र नहीं है, केवल मंदिर में एक छोटा सा अनक्षेत्र है और ओपन अनक्षेत्र हमारा ही है ये।